हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक, जो कि है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दो टॉपिक पे हम बात करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर चेक किए हैं तो ये एक फेवरेट टॉपिक रहा है UGC नेट का, और इस पे आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि क्वेश्चन पूछा जाए और पूछे गए हैं। तो काफ़ी ट्विस्ट करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको ये भी आइडिया दूंगा कि कैसे क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं। सो गाइस, आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो करेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड पे, परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड पे, रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका, और मैं कहूँगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ इन इलास्टिक ऑफ डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड पे। तो अगर आपको ये डिफरेंस पता है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यूनिटरी इलास्टिक से। यूनिटरी इलास्टिक का क्या मतलब होता है? पहले हम इलास्टिक की बात कर लेते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जनरली आपने अगर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड रिड्यूस हो जाती है, यानी कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड चेंज इन डिमांड। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है। ठीक है, बट यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि द डिमांड इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक इफ़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि जितना प्राइस बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग डिमांड भी कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ए यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। इन सच टाइप ऑफ डिमांड 1% चेंज इन प्राइस लीड टू इलास्टिकली 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखिए, P1 है यहाँ पर प्राइस, ठीक है, P2 हो गया। ठीक है, तो आपका जितना P1 पे था यहाँ पर Q1 डिमांड थी, इक्वली यहाँ पर चेंज क्या हुआ डिमांड में, यानी कि डिमांड रिड्यूस हो गई। तो यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, या यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि उतना ही चेंज होता है जितना कि प्राइस में चेंज होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल्सो इम्पोर्टेंट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर जो EP जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा? EP का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। चलिए अब रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं। तो रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड रेफर टू द डिमांड व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज प्रोड्यूस इन डिमांड इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेंज बिटवीन 1 to infinity। देखें, रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड में क्या होता है कि आपकी जो डिमांड होती है वो आपकी यहाँ पर चेंज होती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्राइस। यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, एक लिटिल बिट चेंज आया प्राइस में, पर डिमांड में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को यहाँ पर मिलता है। तो उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जितना प्राइस बढ़ा, ठीक है, उतना ही डिमांड रिड्यूस हुई, ठीक है, या बढ़ी या घटी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने से क्या होता है कि डिमांड जो होती है ना वो ज़्यादा रिएक्ट करती है, वो आपकी दोगुनी, यू नो, आप कह सकते हैं कि वो ट्वाइस यहाँ पर चेंज होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें कि ऐसा क्या चीज़ है कि बेसिकली आपका कौन सा प्रोडक्ट है, बाय एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें तो देखिए आपका फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कि जो गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड में अगर प्राइस चेंज आता है, ठीक है, अगर उसमें चेंज यू नो बढ़ता है, थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ता है, तो उसके डिमांड पे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जनरली लोग बाय जब करना पसंद करते हैं जब वो थोड़ा सस्ता हो, ताकि आगे चल के वो यू नो उसे अच्छे दाम पे अगर उन्हें सेल करना है तो उसे सेल
कर सके। तो देखिए ये यहाँ पर क्योंकि ये नेसेसिटीज़ नहीं है, गोल्ड लेना आपकी नेसेसिटीज़ में नहीं आता, ठीक है, गोल्ड के बिना भी आपका काम चल सकता है। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होता है, देखिए इन इलास्टिक ऑफ डिमांड सपोज, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कि आपके पास बाइक है, ठीक है, आपके पास बाइक है, ठीक है, अब बाइक है तो उसमें तेल डलेगा, ऑयल डलेगा, पेट्रोल डलेगा, ठीक है। अब सपोज़ अगर आपको बाइक चलानी है तो आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, वो आपकी नेसेसिटी हो जाती है, बट यू हैव अ सब्सिट्यूट। आपके पास क्या है, सब्सिट्यूट है कि आप बाइक का यूज़ ना करें, इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीद लीजिए या कार का यूज़ कर लीजिए, जो डीजल कार है सीएनजी चलाइए, ठीक है, आपके पास सब्सिट्यूट है। बट अगर आपको सिर्फ बाइक ही है आपके पास और मजबूरी है आपकी बाइक चलाना, तो क्या होगा, वो क्या होगी, आपकी इनइलास्टिक ऑफ डिमांड होगी, यानी कि प्राइस, पेट्रोल का प्राइस 80 रुपये हो, 100 रुपये हो, 120 रुपये हो, यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपके पास सब्सिट्यूट नहीं है, तो इन केस आप उसमें तेल डलवाओगे क्योंकि आपको बाइक चलानी है, ठीक है। अगर आपके पास सब्सिट्यूट आते हैं तो फिर वो आपका उसे आप यू नो यहाँ पर नहीं चलाएंगे, उस बाइक को आप छोड़ देंगे। बट परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड में क्या होता है कि आपके पास ये सब्सिट्यूट ही नहीं रहता, ये आपके पास चांस ही नहीं रहता कि आप बाइक के अलावा अब स्कूटर ले लीजिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट रहती है कि जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्ज़ाम्पल गिवन है लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स, आपको फीवर है, ठीक है, और आपको मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन इज़ ओनली यू नो आपका इट्स अ ओनली उपचार, ठीक है, ये एक उपचार है, आपको लेनी ही पड़ेगी, इफ़ यू हैविंग फीवर सो यू हैव टू टेक ए मेडिसिन, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि चलिए मेडिसिन ही ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, नहीं, आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो वो मेडिसिन का प्राइस 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 हो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू टेक ए मेडिसिन। तो ये क्या होगी आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, यानी कि जहाँ पर यू डोंट हैव ए सब्सिट्यूट, आपके पास सब्सिट्यूट नहीं रहता, ठीक है, यू डोंट हैव ए सब्सिट्यूट, आपको दवाई लेनी है तो लेनी है, सपोज़ अगर डॉक्टर ने रेफर किया है आपको ये टैबलेट, ठीक है, सपोज़ एनी टैबलेट, तो वो टैबलेट आपको लेनी ही पड़ेगी, डजंट मैटर कि वो कितनी महंगी है, सस्ती है, कैसी है, ठीक है, आपको वो लेनी ही पड़ेगी। तो ये क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो इन इलास्टिक ऑफ डिमांड मैंने जैसे आपको बाइक का एग्जांपल लिया, क्योंकि बाइक है आपके पास तो आपको तेल डलवाना पड़ेगा, तो वो इन इलास्टिक ऑफ डिमांड हो गया, बट उसका सब्सिट्यूट है, आप स्विच कर सकते हो, बट इन केस अगर आपके पास सिर्फ बाइक है तो फिर आपकी मजबूरी है। बट परफेक्टली इन इलास्टिक वो गुड्स होती है जिनके बिना उनका सब्सिट्यूट ही नहीं अवेलेबल है, उनका कोई अदर सब्सिट्यूट ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी। तो ये भी आप यहाँ पर रखें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर यू कांट मेजर, इन सिंपल टर्म कि आप यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेसेसिटीज़ है, इस पे प्राइस का डिमांड का किसी का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सो दैट्स क्लियर यू, ओके। नाउ रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड ये क्या होती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक मीन्स दैट रिलेटिवली लार्ज चेंज इन प्राइस कॉज रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन क्वान्टिटी, यानी कि प्राइस में ह्यूज चेंज हुआ बट क्वान्टिटी में बहुत ही कम चेंज देखने को मिला आपको। इन अदर वर्ल्ड द क्वान्टिटी इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस, मोर स्पेसिफिकली द परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखिए यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड,
ठीक है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, यानी कि फ़र्क तो पड़ता है, एक नैरो फर्क तो पड़ता है कि प्राइस बढ़ जाने से या घट जाने से फ़र्क पड़ता है, पर रिलेटिवली पड़ता है, यानी कि बहुत ही नैरो पड़ता है एक तरीके से, आप कह सकते हैं कि काफ़ी आपका माइनर इफेक्ट उसके पड़ता है, ठीक है, जिसे आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम है P1 एंड P2 है और D है, तो काफ़ी कम यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर, ये होगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इज ग्रेटर देन वन, इट्स ग्रेटर देन वन। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका यहाँ पर आपका लिस्ट वन दे दी जाए, ठीक है, आपकी लिस्ट वन दे दी, ठीक है, लिस्ट टू, ठीक है, लिस्ट टू में दे दिया और आपसे पूछ लिया ई बराबर ज़ीरो, ई बराबर वन, ठीक है, ई इज अ ग्रेटर देन वन और नॉट, ये अभी मैंने रैंडमली लिख दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे मैचिंग करने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या अंतर है, जब यूनिटी इलास्टिसिटी डिमांड होगा तो क्या क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ई इक्वल टू वन होगा, तो ये आपको यही सॉरी ये होगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इक्वल टू वन होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू बी नो द द मीनिंग अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इन केस आपका अगर यूनिटरी है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, परफेक्टली है तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ क्या होगा। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। सो गाइज थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।